सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। आप देख सकते हो सारे कबूतर वेट कर रहे हैं अपने दाने की, एक आवाज पे बाहर आ आ आ आ। तो अभी भाई आना शुरू होएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले अपने कबूतरों की डीवर्मिंग। तो जैसे कि आपको पता है लॉफ्ट बन रहा था, तो उस चक्कर में काम काफ़ी लेट हो गया था अपना, तो उसी चक्कर में डीवर्मिंग वगैरह भी कबूतरों की लेट चल रही थी। तो आज हम डीवर्मिंग करेंगे। डीवर्मिंग करने का आज मैं आपको एक कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम डीवर्मिंग करते हैं और उसके बाद में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डीवर्मिंग किस चीज़ से कर रहे हैं। तो जो डीवर्मिंग हम कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं, मेडवर्म। ये मेडवर्म है मेडपेट कंपनी की, इससे हम अपने कबूतरों की डीवर्मिंग करेंगे। तो इसको करने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। हमें करना क्या है कि एक एक कबूतर को एक एक गोली देनी है, साथ में 10-10 ml पानी पिला करके छोड़ देंगे। लेकिन डीवर्मिंग करने से पहले हमारे को थोड़ा सा एक ध्यान ये रखना है कि जो अपने कबूतर हैं उनके किसी के पोट में दाना ना हो और पानी ना पिया हो उन्होंने। पानी का इतना फिर भी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर पोट में दाना होगा तो कबूतर उल्टी कर सकते हैं। तो ये मेडवर्म है और अब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम डीवर्मिंग कर रहे हैं। भाई सबसे पहले अभी जो है मैं इन कबूतरों को एक बार अंदर करवाऊंगा, फिर हम एक एक कबूतर को बाहर छोड़ते चले जाएंगे ताकि किसी कबूतर को गलती से दो बार ना दी जाए। तो पहले कुलदीप को बोलता हूँ मैं अंदर कर देगा कुलदीप इन सबको, फिर हम एक एक कबूतर को बाहर निकालते जाएंगे और एक एक मेडवर्म की गोली देके 10-10 ml पानी पिला करके इनको बाहर छोड़ देंगे। बाकी ये हमने पानी ले लिया है इसके अंदर, ये हमारी सिरिंज है, पानी है। अभी इससे हम इनकी डीवर्मिंग करनी स्टार्ट करेंगे सारे कबूतरों की। तो भाई ये अपनी मेडवर्म की बॉटल है, इसको भी खोलते हैं और ये अपना पानी ले लिया है। इसमें 60 ml पानी आता है तो 6 कबूतरों को इसी से ही काम हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले इसकी सील खोल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की बॉटल है ये अंदर से और इस तरीके की गोलियां निकलती हैं इसमें से, और ये हमें एक कबूतर को एक गोली देनी है। तो मैं कुछ गोलियों को आप क्या करो कि बार बार निकालने के बजाय कुछ गोलियां इसमें निकाल करके रख लेते हैं, यहाँ साइड में इधर रख लो कहीं ऐसी जगह जहाँ कबूतर उनको गिरा ना दे। तो भाई आपने करना क्या है कि कबूतर जैसे अभी ये कुलदीप ले आया, तो सबसे पहले एक कबूतर को थोड़ा पास से एक बार कर देना, एक कबूतर को एक गोली है डाली इसके मुंह में, साथ में लगभग 10 ml जो है हमने इसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने का कारण रीज़न ये होता है कि ताकि कबूतर उल्टी ना कर दे। अगर हम सिर्फ गोली गोली दे देंगे तो कई बार ये उल्टी कर देता है। तो इस तरीके से अब हम इनकी सारे कबूतरों की जो है वो डीवर्मिंग कर देंगे। तो दो बच्चे और हैं, आप ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी जो बच्चे हमने उड़ाने हैं उनमें से हैं, और तो जो भी छोटी मोटी कबूतरों में कमज़ोरी वगैरह भी आ रही होगी इससे सारी दूर हो जाती है। तो भाई अगर ऐसे तो अभी हमने सारे कबूतरों की करनी है, एक एक कबूतर दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे इन सब की डीवर्मिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने आगे के स्टेप क्या फॉलो करने हैं और डीवर्मिंग करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहें, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो भाई डीवर्मिंग करते करते आंधी का मौसम हो गया, तो हमने लगभग इनकी सबकी कर दिया डीवर्मिंग। तो पहले मैं सोच रहा था कि इन्हें बाहर बिठा जाऊंगा, लेकिन मौसम है नहीं इनको बाहर बिठाने का, मज़ेदार हवा चल रही है तो अंदर ही कर दे यार इनको। फिर
देखते हैं अंदर, फिर शाम को पत्ती मार देंगे और क्या होएगा। आप देख सकते हो कबूतर झाड़ के मौसम में है तो काफ़ी पर वर उड़ रहे हैं इनके, तो भाई इनको अब अंदर कर रहे हैं और पानी भी इनका अच्छा। जब आप ये डीवर्मिंग कर दो ऐसे करने के बाद में इनका पानी रख दो ज़रूर, ताकि ये पानी पीते रहें, और किसी को प्यास व्यास लगे तो पानी पी ले। दाना नहीं रखना, दाना कम से कम 4 से 5 घंटे बाद, लेकिन पानी आप रख सकते हो इनके आगे। तो पानी अभी हम रख देंगे इनके आगे पीने के लिए, जिसको जितना पीना उतना पियो। अभी कैसा मौसम हो रहा था और 1 सेकंड में कैसा हो गया, तो हम अंदर ही पानी रख रहे हैं इनका। इनकी डीवर्मिंग हो चुकी है, ये बैठे हैं कबूतर अपने, यहाँ पर पानी रख दिया, अभी इसके ऊपर ही लिड लग जाएगी। तो भाई जिसको जितना पानी वानी पीना है उतना पानी पिए जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कबूतर अपने अंदर बैठे हैं, अभी इनको बंद ही कर देते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो भाई डीवर्मिंग करते करते बारिश आ गई है, तो अभी हम इन कबूतरों को अंदर कर रहे हैं। डीवर्मिंग इनकी सबकी हो गई है, अब आज तो कोई फ़ायदा है नहीं नीचे वालों की करने का, तो जोड़े वालों कबूतरों की कल कर देंगे, बाकी आज ऊपर वाले सारे कबूतरों की हो चुकी है। तो दोस्तों जो चीज़ अब हम डीवर्मिंग के बाद यूज़ करने वाले हैं वो है ये बायोवेट पोल्ट्री प्लस का फार्मूला। ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, मल्टीविटामिन्स तो खैर है ही हैं, बट ये मल्टीविटामिन तो इसमें एक्स्ट्रा है, उसके लिए नहीं है ये। ये है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक जो होते हैं अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और प्रीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है। तो मिनरल वगैरह भी होते हैं और एंटी स्ट्रेस भी होता है। तो जैसे कि अगर डीवर्मिंग के बाद, ताकि कोई कबूतर स्ट्रेस में ना आए, और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये होते हैं जो इनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया भी अब मर चुके होंगे तो उसको ये दोबारा रिस्टोर करेंगे। तो जैसे आप लोग को पता ही है कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, तो अब ये ऑलिव ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, दाने के अंदर। ये पानी में भी दे सकते हो और दाने में भी दे सकते हो। अब भाई ये पोल्ट्री वेट जो है ये मेरे पास नहीं मिलता, ये आपको नॉर्मली कहीं भी पोल्ट्री की दुकान पर मिल जाएगा। अगर ये कंपनी का ना भी मिले तो आप उनको बोलना कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दे दो, तो वो दे देंगे, कोई भी कंपनी का चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करना क्या है कि लगभग ये 1 किलो दाने में 1 ग्राम डालने होते हैं, तो हम इसमें लगभग 3 किलो दाना है, तो उसमें ये 2 चम्मच के आसपास इसमें हम डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे अपना वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये इसमें हमने डाल दिया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। इससे पेट का हाजमा बहुत अच्छा रहता है इन चीज़ों से। अब खोल लेते हैं ऑलिव ऑयल, अकेला हूँ अभी इस टाइम पर, कोई है नहीं। तो लगभग 3 चम्मच जो है ये ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें, 1, 2 और 3। तो भाई 3 चम्मच के आसपास ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल लिया, अब करना कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल गोल्बी फ्लाई वगैरह होता है, इसको दाने में मिक्स करना है हमें। इसमें क्या है, डीवर्मिंग के बाद कोई भी कबूतर स्ट्रेस में नहीं आएगा, कुछ नहीं होएगा, तो इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं, फिर कबूतरों को चल के डालेंगे। तो भाई प्रीबायोटिक लगा हुआ दाना जो है कबूतरों को डाल दिया, आप देख सकते हो कितने चाव से खा रहे हैं बच्चे वगैरह सब, काफ़ी चाव से खाते हैं इसको। तो ये प्रीबायोटिक वैसे भी डीवर्मिंग नहीं भी कर रहे तब भी दे दिया करो, 1-2 महीने में 1-2 बारी, अच्छा होता है। इनकी इंटेस्टाइन वगैरह की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, आप देख सकते हो ये कबूतर भी सब खा रहे हैं। और साथ में ऑलिव ऑयल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, ऑलिव ऑयल में जो है वो विटामिन ई सबसे अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इनको ये दे सकते हो। तो भाई ब्रीडर कबूतरों को भी यही वाला दाना रख दिया, हालांकि आज आपने जैसे वीडियो की शुरुआत में देखा बारिश हो गई थी तो इनकी डीवर्मिंग नहीं करी, लेकिन ये डीवर्मिंग करने के बाद 3 दिन तक देना होता है हमारे को। 3 दिन तक हम इनको यही लगा हुआ दाना देंगे, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको एक दिन फालतू भी हो जाए तो ये अच्छा ही होता है, प्रीबायोटिक का कभी कोई नुकसान नहीं होता। आप देख सकते हो सारे कबूतर वेट कर रहे हैं अपने दाने की, एक आवाज़ पे बाहर तो अभी भाई आना शुरू होएंगे। भाई सारे आ गए अपना दाना खा रहे हैं, कबूतर लिमिटेड ही हैं अपने पास, ज़्यादा नहीं है। अभी 1-2 अंदर रह गए होंगे थोड़े बहुत,
आप ये देख सकते हो सारे चले गए हैं बाहर, सिर्फ कुछ कबूतर जो अंडे बच्चों पे बैठे हैं वही अंदर है, बाकी सारे बाहर चले गए हैं। ये जैसे इसके भी बच्चे निकले हैं तो वो बाहर चले जाते हैं ताकि ये परेशान ना हो, जब इसका मेल अंदर आ जाएगा तो ये भी बाहर चली जाएगी। तो ये सीन है भाई, इन बच्चों को भी निकालते हैं आज, ये दाना चुगने लायक हो चुके हैं। आ बच्चे, जब इतना बड़ा बच्चा हो जाए तो उसे बाहर निकाल दिया करो, इसका भाई है रहा, इसको भी निकालते हैं बाहर। आप देख सकते हो कि ये अंदर बैठे रहते हैं अपने माँ बाप की वेट में लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये वाला बच्चा भी हमने ले लिया। चलो बेटे बाहर जाओ खाना खाओ। तो भाई इस प्रकार से जो बच्चे आपके थोड़े बड़े हो जाएं उनको बाहर निकाल लिया करो ताकि वो भी दूसरों को देख के दाना वाना खाना सीखें। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो कि आपने किस प्रकार से डीवर्मिंग करनी है। अगर आप इससे नहीं डीवर्मिंग करते, कोई और सप्लीमेंट से डीवर्मिंग करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में प्रीबायोटिक देने बिल्कुल मत भूलना। तो ये प्रीबायोटिक आपको नज़दीकी पोल्ट्री की दुकान पर कहीं भी मिल जाएंगे, तो ये प्रीबायोटिक देना उसके बाद में बहुत ज़रूरी है। और प्रीबायोटिक के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि प्रीबायोटिक्स का फ़ायदा क्या क्या रहता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाकी कल इनकी डीवर्मिंग करेंगे। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।